हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो फिर अभी यहाँ पे शाम के 5:30 बज गए हैं और मैं बना रही हूँ शाम का खाना। और ये जो व्लॉग है ना, कल का ही कंटिन्यू किया है। कल करेले को नमक लगा के रख दिया था मैंने, और यहाँ पे अच्छा पानी छोड़ दिया है करेलों ने। तो फिर पानी निचोड़ लिया मैंने और अच्छे से ना 2-3 पानी से धो लिया है और अच्छे से पानी निचोड़ लिया है। तो अब ना करेले की सब्ज़ी जो है ना, बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगेगी, बिल्कुल भी नहीं। तो सब्जी बनाने के लिए मैंने सबसे पहले तो कढ़ाई में तेल डाल दिया है, और उसके बाद फिर सीधे फिर करेले ही डाल दूंगी उसमें, और करेले को अच्छे से फ्राई करूंगी। और इसमें ना थोड़ा सा तेल ज़्यादा डालते हैं ना, तो सब्ज़ी अच्छी लगती है। वैसे तो मैं तेल ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, बहुत कम तेल यूज़ करती हूँ मैं। लेकिन कोई कोई सब्ज़ी ऐसी होती है ना कि उसको तेल की ज़रूरत पड़ती है ज़्यादा, जैसे मसाले वगैरह ज़्यादा भुनने पड़ते हैं ना, तो फिर उसको तेल की ज़रूरत होती है। तेल तो जितना कम यूज़ करें ना उतना ही अच्छा है। इसको तो ना हमें ना अपना दुश्मन समझना चाहिए, बहुत दूर रहना चाहिए तेल से। बिल्कुल अच्छा नहीं होता है तेल हमारी सेहत के लिए। और ये जो हम यूज़ करते हैं ना रिफाइंड ऑयल, ये तो सच में हमारा दुश्मन ही है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम इसको यूज़ करना छोड़ दें, लेकिन कम ज़रूर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने करेले डाल दिए पहले तेल में, उसको अच्छे से फ्राई कर लिया है। और उसके बाद फिर उसमें प्याज डाल दिए और प्याज को भी अच्छे से फ्राई कर लिया। उसके बाद अपने मसाले डाल दिए, मिर्ची पाउडर और हल्दी नमक, बस ऐसे ही कुछ डाला है, ज़्यादा दूसरे मसाले नहीं डाले हैं। और फिर भी ना सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है इसकी, सिंपल है लेकिन बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मेरा खाना बन गया है, मतलब सब्ज़ी बन गई है और दाल फ्राई हो गई है। सुबह की दाल थी तो वो फ्राई कर ली मैंने, क्योंकि करेले की जो सब्ज़ी है ना सूखी सूखी नहीं खाई जाती है अकेली, तो उसके साथ कुछ ना कुछ लगता है। तो दाल बन गई यहाँ पे, और अब रोटियाँ बना लूँगी और सबको खाना लगा दूँगी। तो फ्रेंड, यहाँ पे सभी का खाना हो गया है। अभी ना रात के 9 बज गए हैं, खाना वाना सभी का हो गया था। काउंटर वगैरह मैंने साफ़ कर लिया, अब बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। बर्तन तो जो खाने पीने के होते हैं ना, तो मैं बाहर रख देती हूँ मावसी को धो साफ़ करने के लिए। लेकिन ये जो बर्तन होते हैं ना, कुछ ग्लास होते हैं, नॉन स्टिक की कढ़ाई होती है, जो मैं बाहर मावसी को नहीं देती हूँ धोने के लिए। और कुछ सब्जी वगैरह धोती हूँ ना बर्तन में मैं, तो कुछ ऐसे ही बर्तन होते हैं जो मैं साफ़ कर लेती हूँ। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिए सवेरे के यहाँ पे 12 बज गए हैं, 12:45 हो गए हैं। और मेरे सुबह के सारे काम तो हो ही गए थे, मतलब सारे काम हो गए थे। बस चावल नहीं लगाए थे मैंने, क्योंकि चावल नहीं थे सुबह जब मैं कुकर लगा रही थी ना, तब चावल नहीं थे, तो फिर चावल रह गए थे। और अभी तो आजकल ऐसा हो रहा है ना कि कोई कोई चीज़ तो मुझे ऐसे जब बनाने जा रही हूँ तब याद आ रही है कि ये चीज़ ख़त्म हो गई है। तो फिर ना मतलब क्या हो रहा है, घर में का राशन सारा ख़त्म हो गया है। और मैं भी ना थोड़ा सा रुक रही हूँ, क्योंकि अभी दिवाली का सारा राशन भरना ही है, सब लाना ही है। तो 7-8 दिन रुक के ही लेकर आ जाती हूँ, तो सारा इस जो काम है ना एक साथ हो जाएगा। एक ही साथ सारा राशन लिख दूंगी और सारा ही कुछ सामान लेकर आ जाऊँगी दिवाली का वगैरह। तब तक ना ऐसे ही चलता रहेगा, कभी कुछ ख़त्म होगा तो कभी कुछ ख़त्म होगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ी सी सेवई बना ली है अपने लिए, मीठी वाली सेवई बनाई है और पानी की बनाई है। दूध डालते हैं ना तो वो दूध नहीं डाला है मैंने, पानी की सेवई अच्छी लगती है। बचपन में ना पानी वाली सेवई बहुत खाई है, तो वही जो होता है ना जुबान पे जो स्वाद चढ़ जाता है वही अच्छा लगता है। तो बस वही सेवई की याद आती है बार बार, तो वही सेवई बनाती हूँ मैं। घी में फ्राई करती हूँ और पानी में उबालती हूँ, तो वही अच्छी लगती है मुझे। तो अभी सेवई बन गई है मेरी। तो अभी मैं रायते के लिए टमाटर, ककड़ी, प्याज कट कर रही हूँ। इसको कोशिमबीर बोलते हैं इधर, बाकी तरफ शायद रायता बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे सभी इसको कोशिमबीर बोलते हैं। तो सारी चीज़ों को मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है, और उसके बाद फिर दही फेटूंगी, थोड़ा सा 2-3 चम्मच दही लूँगी, उसको फेटूंगी और उसमें फिर सारी चीज़ें मिक्स कर दूंगी जो मैंने कट की है। और उसमें थोड़ा सा तड़का डालूंगी मैं, राई, जीरा, कड़ी पत्ता, और ना सब रख दूंगी ऐसे ही उठाकर, और जब खुशी आएंगी ना तब खाना खाऊंगी उसके साथ में। आजकल वैसे ही सोच रही हूँ कि उसके साथ खाना खा लिया करूँ, क्योंकि क्या होता है ना मैं खाना खा लेती हूँ उसके आने के पहले हमेशा, लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि फिर मैं भी अपना मोबाइल लेके बैठ जाती हूँ अपने वीडियो के वगैरह काम करने के लिए, और वो भी अपना टैब लेके बैठ जाती है, तो फिर क्या होता है ना ज़्यादा बातें नहीं हो पाती है। तो इस वजह से सोच रही हूँ कि साथ में खाना खा लिया करूँ उसके, तो साथ में खाना भी खाना हो जाएगा, थोड़ी बातें भी हो जाएंगी और थोड़ा सा टाइम भी फिर एक दूसरे के साथ में मिल जाएगा। हर चीज़ को ना मैनेज करके चलना पड़ता है, तभी सारे काम ना अच्छे से मैनेज हो पाते हैं। ऐसा नहीं कि अपने आप सब हो जाता है, बहुत कुछ चीज़ें होती है उसकी तरफ ध्यान देना पड़ता है, बहुत चीज़ें ना करनी पड़ती है, देखनी पड़ती है, और बच्चों की तरफ तो एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ता है। और ये जो टीनेजर्स बच्चे होते हैं ना, इन पर ना एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ता है। एक्स्ट्रा ध्यान मतलब ऐसे नहीं कि कुछ शक करो ऐसे करो, लेकिन ना थोड़ा सा ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है इनके लिए। ये नहीं, एकदम इनका ना अलग ही चलता है कुछ, कभी तो बिना वजह चिड़चिड़ करने लगेंगे, कभी अच्छे रहेंगे, उनका ना कुछ समझ में नहीं आता है कि इनका चल क्या रहा होता है। तो चलिए यहाँ पर कपड़े फोल्ड कर ले रही हूँ मैं, और अभी ना शाम के 4 बज गए हैं और ऋषभ पढ़ाई कर रहा है, वही उसका खाना पीना हो गया, और आती हुई उसको पढ़ाई लेनी होती है, तो पढ़ाई लेके बैठ गया है। और जब मैं खाना वगैरह बना रही थी तब 12:30 बज गए थे, उसके बाद फिर खुशी आई 1 बजे, उसके बाद फिर हमने खाना खाया खुशी ने मैंने, और उसके बाद थोड़ी साथ में टीवी वगैरह देख ली, और फिर मैं अपने काम पे लग गई और वो उसका टैब लेके बैठ गई। और अभी यहाँ पे देखिए मौसी के बर्तन हो गए साफ़ करना, तो वही वो बोलने के लिए आए थे कि वो जा रहे हैं, मतलब किचन का दरवाजा बंद करना पड़ता है ना, बिल्ली वगैरह आती है
तो बोलने आए थे कि दरवाज़ा बंद कर लो। और यहाँ पर हम इस बारे में बात कर रहे हैं, उनका क्या हो रहा था ना, उपवास थे उनको नवरात्रि के, तो फिर 3 बजे उठ रहे थे वो दर्शन के लिए जाने के लिए देवी के, तो 3 बजे से उठ रहे थे तो रात के 11 बज रहे थे उनको सोने को। तो फिर जो सारे काम भी है ना तो नींद में ही कर रहे थे, वो चल रहे भी थे तो नींद में चल रहे थे, और सारे बर्तन वगैरह भी कर रहे थे ना तो नींद में ही कर रहे थे, तो वो वही बता रहे थे। तो मैं उनको कितनी बार समझाती हूँ कि आप यहाँ पे लेट जाया करो, यहाँ पे खाना खाया करो, लेकिन कभी करते हैं वो, कभी सुन लेते हैं, कभी थोड़ा सा लेट जाते हैं, 10 मिनट लेट जाते हैं वो, लेकिन कभी नहीं, मतलब कभी कभी नहीं सुनते हैं क्योंकि उनको काम भी उतने होते हैं। उन्होंने ना अकेले ही सारे, मतलब उनका एक बच्चा है और उनके पति की जो डेथ हो गई थी ना, तो जब उनका बच्चा 14 महीने का था तभी डेथ हो गई थी उनकी, तो फिर तब से उन्होंने सब कुछ अकेले किया है, बच्चों को पढ़ाना लिखाना सब कुछ अपने दम पे किया है। तो कैसे कर लिया उन्होंने इतना सब, क्या था उनके पास में, कुछ भी तो नहीं था ना, पढ़ाई थी ना कोई टैलेंट था, कुछ भी नहीं था, फिर भी उन्होंने खुद भी सर्वाइव किया, अपने बच्चे का भी किया, क्योंकि उनके पास रीज़न था इसलिए उन्होंने किया। हमारे पास क्या होता है ना, रीज़न नहीं होता है, हमको क्या लगता है कि क्या ही करना है करके, इसलिए ना हम ना एफर्ट नहीं डालते किसी चीज़ में। अब उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था तो उनको तो करना ही था, वैसे ना हमें ना कोई रीज़न चाहिए कुछ भी करने के लिए, तो बिना रीज़न के ना कोई कुछ नहीं करता है, तो कुछ ना कुछ रीज़न लेके आना होगा तभी हम कुछ कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। तो चलिए, यहाँ पे छोटे मोटे जो काम थे मैंने शाम के वो कर लिए हैं, कपड़े फोल्ड कर लिए हैं, दोनों रूम भी थोड़े से ठीक ठाक कर लिए हैं, क्योंकि दोनों भी रूम है ना ठीक ठाक करने ही पड़ते हैं, मतलब पूरा घर ही शाम को एक बार ठीक ठाक करना पड़ता है। और यहाँ पर बरनी में का अचार खत्म हो गया था, तो फिर उसमें अचार भर दिया बरनी में लाके और पानी का जग भर दिया है। और यहाँ पर शाम की चाय बना ले रही हूँ, और शाम की चाय के साथ में ही फिर शाम के खाने की भी शुरुआत हो जाती है। और अभी तो खुशी झाड़ू लगा रही है, उसके बाद फिर खुशी और मैं चाय ले लेंगे, और चाय वगैरह होने के बाद फिर शाम का खाना बना लूँगी, शाम का खाना जल्दी ही बना लेती हूँ। तो जब तक अभी चाय बनती है तब तक बर्तन लगा लेती हूँ, यहाँ पे एक टोकरी फिर दो टोकरी तो वैसे रहती है मेरी, जो बर्तन लगाने का काम है ना बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है मुझे, तो जैसे जैसे टाइम मिलता है ना वैसे करती हूँ मैं। तो यहाँ पे चाय बन गई है, तो अभी चाय ले लेते हैं। तो फ्रेंड फिर वीडियो को ये पे रोक देती हूँ, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गुड बाय फ्रेंड्स।